हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। ये देखिए मेरा ये गुलाब का सेक्शन है, इसमें बहुत सारे गुलाब हैं, जैसे कि देसी भी गुलाब है, हाइब्रिड भी गुलाब है और कुछ बेल्स वाली भी गुलाबें हैं। ये देखिए ये बेल्स वाली है, ये काफ़ी बड़ी हो गई हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी हैं। ये भी देखिए ये बेल वाली है, आपकी लतर वाली गुलाब जो है, जो आपके रेलिंग वगैरह पे या गेट के ऊपर लगाते हैं, बहुत ही बढ़िया। और इसमें देखिए कुछ फ्लावरिंग भी हो रही है, ये देसी आपका है। और इस तरीके से देखिए बहुत सारे फ्लावर हुए हैं, और अक्टूबर के आज 16 तारीख हो गए और मैं इसकी हार्ट वार्मिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं शहर से बाहर था और थोड़ी देर हो गई है, तो इसलिए मैं जो है आज मैं इसकी हार्ट प्रूनिंग करूंगा जो है, तो आपको मैं दिखा रहा हूं। इसे मैं देखिए इस तरीके से हार्ट प्रूनिंग मैं कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं हार्ट प्रूनिंग कर दे रहा हूं जो है, और जिससे कि नए नए शूट्स आना शुरू हो जाएंगे और फिर ये अच्छा ग्रोथ करेगा जो है। इस तरीके से आप देखिए मैं सारे जो है, ये भी देखिए इसमें कुछ देखिए नए शूट्स आ रहे हैं, लेकिन जो पुराने हैं उसे मैं कट कर दे रहा हूँ, और जो है फिर जिससे कि नए शूट्स आने शुरू हो जाए। और इस तरीके से देखिए ये भी जो है इस तरीके से मैं पुराने शूट्स को जो है कट कर दे रहा हूँ और नए शूट्स आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब मुझे इसे कटिंग करने में भी काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कटिंग इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे कि ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ हो। तो इस तरीके से जो है मैं इसे जो है कटिंग कर दे रहा हूँ बढ़िया से, जिससे कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो। देखिए ये सब पौधे जो है इस तरीके से मैं सारे कटिंग कर दे रहा हूँ इस तरीके से देखिए, जिससे कि ग्रोथ अच्छी हो इस सब में जो है। देखिए बड़ा ही किसी किसी में तो ब्रांच आने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं देखिए इसमें बर्ड्स भी आ रहा है, लेकिन मैं सभी को कटिंग कर दूंगा जिससे कि नए ग्रोथ अच्छे हों। और कुछ इसमें जो सूख गए हैं उन्हें मैं हटा दूंगा काट करके जो है, जिससे कि बढ़िया से देखिए इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर दे रहा हूँ जो है। देखिए ये भी जो है बढ़िया से इस तरीके से जो है मैं कटिंग कर दे रहा हूँ, और बहुत सारे देखिए इस तरीके से जो है, चूँकि वीडियो भी मैं ही बना रहा हूँ तो इसलिए जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है इसको प्रूनिंग करने में। देखिए इस तरीके से जो है इस तरीके से मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दे रहा हूँ जो है, देख सकते हैं आप। जो है सभी पौधों का मैं जो है इस तरीके से जो है हार्ड प्रूनिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन
मेरा कटर भी लगता है कुछ धोखा दे रहा है, जो है इस तरीके से जो है इस तरीके से मैं सभी को कट कर दे रहा हूँ। जो है ये देखिए कुछ नए सूट्स भी आ रहे हैं, जिससे मैं थोड़ा सा मन विचलित हो जा रहा है कटिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं जो है सभी को कटिंग कर दूँगा, जिससे कि अच्छे सूट्स आए। इस तरीके से देखिए डालियाँ मोटी हो गई हैं और इस तरीके से मुझे कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और मैं कटिंग कर दे रहा हूँ सब। जो है ये देखिए गुलाब खिला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसकी जो है कटिंग कर दे रहा हूँ। जो है इसमें फिर नए नए सूट्स आएंगे और देखिए कितना जो है इसको काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है और मुझे कटिंग भी करना पड़ रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे आज हार्ड प्रूनिंग कर ही दूँगा। जो है जिससे कि आपका बढ़िया से इस तरीके से जो डालियाँ मोटी हैं उन्हें थोड़ा काटने में दिक्कत हो रहा है, और फिर भी मैं जो है इसे कटिंग कर रहा हूँ पूरी कोशिश के साथ। देखिए और मेरा ये कटर भी बहुत अच्छा नहीं है, हालांकि मैंने इसे 250 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन फिर भी जो है ये कटर बहुत अच्छा नहीं है और जो है मुझे काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये सब देखिए नए सूट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे सब काट करके हटा दे रहा हूँ। जो है इस तरीके से नए सूट्स को छोड़ दे रहा हूँ और बाकी को मैं काट दे रहा हूँ। जो है इस तरीके से देखिए सारे गुलाब को जो है मैं हार्ड प्रूनिंग कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं जो है कितना सभी कर दिया हूँ, और अब आज मैं इसे छोड़ दूँगा और कल मैं इसकी जो है गुड़ाई करके और फिर इसमें जो है मैं इसमें आपका फर्टिलाइज़र फिट कर दूंगा, जिससे कि इसमें नए सूट्स आने शुरू हो जाएं। तो आप लोग भी अगर अभी अपने गुलाब की हार्ड प्रूनिंग ना किए हों तो ज़रूर कर दें, क्योंकि अब धीरे धीरे ये समय बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और अगर आप अभी तक हार्ड प्रूनिंग नहीं किए नहीं करेंगे तो फिर इसमें नए सूट्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे और ना ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।